हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग क्लास। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 2, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो दिया था, इसमें मैंने बहुत सारे मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया था। नाउ आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे कंप्यूटर के लिए होता है। कंप्यूटर डिवाइस जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं या उसको रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और आप जानते हैं स्टोरेज डिवाइस इम्पॉर्टेंस होता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, टैबलेट हो, सभी कंप्यूटर में शॉर्ट स्टोरेज, कुछ ना कुछ शॉर्ट स्टोरेज यूनिट होती हैं, ठीक है। एवरी स्टोरेज डिवाइस हैज़ अ फिक्स कैपेसिटी टू स्टोर डेटा। मतलब जैसे कि आप जैसा भी लैपटॉप मोबाइल ख़रीदते हैं, उसमें आपकी मेमोरी साइज़ की कैपेसिटी बता दी जाती है कि आप इतना से इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, तो दैट इज़ फिक्स कहलाता है। तो फिक्स इस कैपेसिटी जो होती है वो क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। मेमोरी क्या करता है? मेमोरी हेल्प करता है डिवाइस और कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। अब डेटा में बार बार डेटा वर्ड्स आ रहा है, तो डेटा वर्ड्स का मतलब भी समझ लेते हैं। व्हाट इज़ डेटा? डेटा मीन्स होता क्या है? डेटा मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर, कि जितने भी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरल्स नंबर, जिसको हम यूज़ करके अपने डेटा को एज ए इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, दैट इज़ वो क्या कहलाती है? डेटा। डेटा मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर। मतलब ये आप सीधे सीधे लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि जैसे 1, 2, 3 एंड 4, ABCD और जितने भी सिंबल्स हैं, उन सब का मिक्सअप जो हम बनाते हैं वो डेटा कहलाता है। इंस्ट्रक्शन ऐसा कमांड है जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर में क्या काम करना है। इंफॉर्मेशन डेटा भेजने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद, वही मेरा डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है जो कि मुझे आउटपुट फॉर्म में दिखाया जाता है। और मेमोरी में जो डेटा जिसको हम स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। वो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये डिजिट्स क्या कहलाती हैं? बाइनरी डिजिट्स बिट्स कहलाती हैं। बिट्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी होता है। जैसे कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, और ग्राम मिलीग्राम आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट हो गया, ठीक है। मिलीमीटर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ हो गया। इसी तरह मेमोरी में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या कहलाती हैं? बिट्स कहलाती हैं। ओके, नाउ मेमोरी किसी भी स्टोरेज डिवाइस की जो मेमोरी होती है वो स्पेसिफिक यूनिट में मेजर की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइट्स कहते हैं। और इसको लेटर बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हर एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम कुछ यूनिट्स सिंबल्स के बारे में समझ लेते हैं। बाइट्स क्या होता है? जिसको बी सिंबल से रिलेट करते हैं, और 8 बिट ही एक बाइट कहलाता है। किलोबाइट जो होता है वो 10 से 24 बाइट्स 1 KB कहलाता है। वही मेगाबाइट को MB बोलते हैं, और 10 से 24 KB 1 MB कहलाता है। और और इसके बाद आता है गीगाबाइट, जिसको GB बोलते हैं, और 1 GB जो होता है वो आपका 124 MB के बराबर होता है, ठीक है। टेराबाइट जिसको TB बोलते हैं, और 1 TB जो होता है वो 124 GB के बराबर होता है, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारे डिवाइस, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब हमारे अलग अलग वेरियस मेमोरी डिवाइसेस हैं जिसका हम इस्तेमाल डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। व्हाट इज़ टाइप ऑफ मेमोरी? 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, या इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। मीन्स
की मेमोरी इज एक्सेस्ड फर्स्ट डायरेक्टली बाय द सीपीयू, मतलब ये ऐसी मेमोरी है जो डायरेक्ट सीपीयू उसको एक्सेस करता है, तभी तो कंप्यूटर काम कर पाता है। अगर ये मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं। और कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ दो टाइप कैटेगरी होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। और इसमें रैम क्या होता है, ये भी एक हमारा मेन मेमोरी होता है जहाँ पर डेटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है या रनिंग एप्लीकेशन भी स्टोर रहते हैं। और इस मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है जिससे कि हमारा काम होता रहता है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये सीपीयू एक्सेस करता है रैंडमली मैनर में जब चाहे जहाँ से भी वो उसमें एग्जिस्ट या प्रेजेंस डेटा को एक्सेस करता है और उस पर काम करता रहता है। मेमोरी एक्सेसिबल ओनली व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑन, एक बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये मेमोरी तभी काम करेगी जब स्विच ऑन रहेगा, जब आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर की पावर ऑफ कर देंगे तो सारा डेटा इस रैम से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए रैम मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। और इस मेमोरी से हम डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, मतलब ये रैम मेमोरी इसलिए बनाई गई कि आप जब चाहे इसमें डेटा को डिलीट करो, या वैसे डिलीट तो ऑफ होने बाद ही हो ही जाता है, इसलिए लोग सेव करते हैं काम को। सेव करने के बाद वो हार्ड डिस्क में आवा सेव हो जाता है। रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नाम से पता चलता है कि सिर्फ रीड करने के लिए यूज़ हो रहा है। और ये मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बात तो इसमें आप ये याद करिए कि इसको भी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू ही होता है। और इसमें भी जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन होता है वो आर रिटेन व्हेन कंप्यूटर स्विच ऑफ, मतलब इसमें भी जो भी डेटा ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर रहता है या स्टोर पहले से ही रहता है वो स्विच ऑफ होने बाद भी डिलीट नहीं होता, इरेज नहीं होता, वो दोबारा से रिटेन कर सकते हैं इसके कंटेंट को, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और एक्चुअली मैं रीड ओनली मेमोरी इनबिल्ट मदरबोर्ड होता है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर उसमें इसमें लगा दिया जाता है, फिर उसको निकाल ले सकते हैं। बल्कि रैम को तो आप निकाल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, रैम रोम में भी कैटेगरी बताई गई है जिसमें आपका पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ये क्या करता है, ये प्रोग्राम टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन वंस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, मतलब ये रोम में भी इस टाइप के जो रोम बनाया गया है इसमें एक बार अगर कोई रिकॉर्ड इन प्रोग्राम कर दिया गया है तो वो दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वहीं अगर दूसरा वाला देखेंगे इरेजिबल प्रोग्रामर, तो आप इसमें आप देख रहे हैं इसमें रिकॉर्डेड डेटा को हम इरेज कर सकते हैं उसको, वह भी अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज होता है। ये आप और हम लोग नहीं करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियर्स जो होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में डेटा को, या कोई हार्डवेयर इंजीनियर होता है वो इसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, और डबल ई पी रोम तीसरा वाला आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामर रोम, ये भी इरेज हो सकता है रिकॉर्डेड डेटा, इसमें भी इरेज किया जा सकता है लेकिन इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ये भी हमारे कंप्यूटर का ही पार्ट होता है जहाँ पर डेटा हम लंबे टाइम तक लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखते हैं। ठीक है, और ये डेटा डिलीट नहीं होता है ऑटोमेटिकली चाहे जितनी बार कंप्यूटर ऑफ रखें। और सेकेंडरी मेमोरी इसलिए होती है कि ताकि सालों साल कई साल तक अपने डेटा को आप स्टोर रख सकें काम करने के बाद। डेटा प्रोग्राम वो फ्यूचर के लिए ही स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको
ऑक्सिलरी या सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहते हैं। स्टूडेंट आप थोड़ा सा अलग अलग नेम्स को जरूर याद करिएगा कि क्वेश्चंस नेम चेंज होने से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन आता है तो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपको रैम और से ज़्यादा कैपेसिटी मिलेगी, इसलिए ये होता ही इसीलिए है कि क्योंकि रैम में तो आपका 2 GB 4 GB 8 GB का रैम होती है, लेकिन आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में 500 GB 1000 GB तक के कैपेसिटी मिलती है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ए डिस्क इन ए स्टैक, एक प्लेट होती है और सर्कुलर फॉर्म में जब इसको ओपन करेंगे उसी में ये होती है। और आपको इसकी कैपेसिटी का जो रेंजिंग मार्केट में जो अवेलेबल है वो यहाँ से यहाँ तक है, 320 GB से लेकर 1 TB तक, और उससे ज़्यादा भी आती हैं। सीडी रोम आप तो जानते ही हैं, सीडी में कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी इसको आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, इसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसमें भी 2 टाइप की होती हैं, आप कौन सा ख़रीदना चाहते हैं, अगर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपकी ऐसी सीडी है जिसमें आप एक बार डेटा आपने अगर राइट कर दिया, मतलब आपने इसमें कॉपी कर दिया तो वो आपका बस वही सीडी आपकी ख़त्म, मतलब आप उसमें आप कोई दूसरा डेटा रिस्टोर नहीं कर सकते, अब आपको वो फ्यूचर के लिए यूज़ होगा। अगर आप इस टाइप की सीडी खरीदते हैं जिसको सीडी RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल बोलते हैं, तो इसमें आप पहले से कोई डेटा अगर आपने रखा है तो उसको आप इरेज करके दोबारा उसमें नया डेटा को रख सकते हैं, इसलिए सीडी में भी कई वेराइटीज़ होती हैं। उसी तरह DVD में भी यही बात है, DVD को फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसकी कैपेसिटी 4.7 GB तक होती है, और दोनों में साइज़ में एक ही जैसा दिखते हैं लेकिन कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है। DVD और भी आती हैं, जैसे ब्लू रे डिस्क बोलते हैं जो कि 25 GB तक के होते हैं, डुअल लेयर के होते हैं। सबसे इजी कन्वीनियंट मेरे हिसाब से तो फ्लैश ड्राइव लगता है, जब चाहे जहाँ चाहे इसको कैरी कर ले सकते हैं, इसकी कैपेसिटी भी हमारे अकॉर्डिंग है, 1 GB 2 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB, मतलब इतने सारे वैरायटी के पेन ड्राइव हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें हम जब चाहे डेटा को रीड राइट डिलीट ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आज का ही ज़्यादा यूज़ होता ही रहता है। ठीक है, इजी है, कंपैटिबल है, पोर्टेबल है। ठीक है, ओके, तो चैप्टर यहाँ से ये फिनिश होता है। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को कर लेंगे अपनी पेयर कॉपी में, जैसे एक्सरसाइज करने से आपको सारे टॉपिक्स दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।